तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को अगर तुम देखोगे, इस वाले क्वेश्चन को, तो अगर इस क्वेश्चन को देखो, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एट एनी टाइम टी, अगर किसी भी टाइम कोऑर्डिनेट देखते हो, मतलब ये एक्स है, ये वाई है, तो ये 0,0,0 है, तो ये पार्टिकल ऐसे चल रहा है कर पाथ पे, हमको नहीं पता ये, ठीक है, मैं ऐसे रैंडम डिफाइन कर दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। तो किसी पॉइंट पी पर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट मूविंग एट टाइम टी एक्स और वाई, मतलब ये टी टाइम पे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ, स्पीड निकालना है यहाँ पे। तो यार जब टू डायमेंशनल मोशन है तो स्पीड भी तो चलो मान लेते हैं टू डायमेंशनल होगा, तो इधर मान लेते हैं वी एक्स है और इधर मान लेते हैं कुछ किधर भी मान लो आप वी वाई होगा टेंजेंशियल ऐसे, तो ये वी वाई क्योंकि इधर टेंजेंट है, तो मोशन ऑफ नेट वेलोसिटी इधर आएगी। तो ये जो नेट वेलोसिटी वी आएगी उस वक्त तो इन दोनों का जो वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर अंडर रूट आएगा, ये वाली चीज़, ठीक है ना। तो ये हमें लॉजिक यही हमें इम्प्लीमेंट करना है बच्चों। तो सबसे पहले मैं वी एक्स और वी वाई निकालूंगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वाई वाली वेलोसिटी है वो है वाई वाली जो कोऑर्डिनेट है वी टी स्क्वायर है, तो वाई वाली जो वेलोसिटी आएगी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तो वो आ जाएगी डी वाई ओवर डी टी, इसका एक बार डेरिवेटिव ले लो तो बी टी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। और जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो है सी टी का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर जो एक्स वाली जो स्पीड आ जाएगी दैट इज डी एक्स ओवर डी टी, तो ये वाली स्पीड जो है वो टू सी टी के इक्वल आ जाएगी। तो अब ये रहा अपना टू, तो नेट स्पीड जो आ जाएगा दैट इज टू बी टी का होल स्क्वायर प्लस टू सी टी का होल स्क्वायर, और ये सब अंडर रूट आ जाएगा। तो फाइनली अगर देखोगे तो टू बाहर आ गया, टी बाहर आ गया, मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट बच जाएगा। दिस इज़ द ये टू डायमेंशनल मोशन का एक प्रॉब्लम था। तो ये आपकी मतलब चमक गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो टू टी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब अपना डी ऑप्शन मैच कर जाता है। तो अपना बहुत ख्याल रखो, थैंक यू, बाय बाय।